नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे चैनल सभी जानकारी में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक दुकान पर लेके आए जहाँ से हमने एक चक्की आटा चक्की खरीदी है, उसके बारे में आज के इस वीडियो में जानकारी देंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगी हो सकता है, परंतु अच्छा से समझाने के लिए हम आपको तो अलग अलग प्रकार की यहाँ पे चक्कियाँ आपको देखने को मिल रही होगी। देख सकते हैं एक चक्की दोस्तों, चक्की आपको भी अगर लेना तो आप ले सकते हो, तो थोड़ी बहुत जानकारी होनी पड़ेगी। हम लेते हैं नहीं तो हमको दुकान वाले या फिर गलत चक्की लेके आ जाते हैं और हमको करना पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप अलग अलग कंपनी के बस डिजाइन और अलग अलग प्राइस में जो है अंतर यहाँ पे हमको देखने को मिला। उस पहले हमने जैसे आपको दुकान बता दी, दुकान जो है राजस्थान के बूंदी डिस्ट्रिक्ट में है और एंटरप्राइजेस। यहाँ पे हर प्रकार का सामान आपको इलेक्ट्रॉनिक मिल जाएगी, जैसे मोटर मिल जाएगी, चिक्की मिल जाएगी, देख सकते हो आप। जैसे इस पे लिखा है दोस्तों कि कौन से नंबर की कौन सी जाली आपको लगानी है, नहीं तो अगर आप कुछ मोटा अनाज पीस रहे हो और आप बारीक यानी कि इसमें जाली लगा देते हो, आपकी मोटर गर्म हो जाएगी और उसमें आपको कुछ नुकसान हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इसी प्रकार से आपको जो है गेहूँ चावल बाजरा जो पीसना है मक्का, उसी प्रकार से जाली आपको यहाँ पर दी गई है उसी को आपको लगानी है, नहीं तो आपकी चक्की खराब हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो जालियाँ ही चली दिखाएंगे आपको कितने नंबर तक की जाली है यहाँ पर। तो जैसे दुकान वाले ने बताया था आपको 7 से 8 जालियाँ हैं, मजबूत है और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे एक मोटर लगी हुई है, ये ऑटोमेटिक यानी कि इसमें ज़्यादा मात्रा में नहीं अनाज को नहीं धकोती है और इसके हिसाब से धीरे धीरे अनाज को जैसे ही पिसाई के लिए चलता रहता है ना। और दोस्तों उल्टी सुलटी यानी कि दोनों तरफ घूमती है, अगर एक साइड में फंस जाए तो दूसरी तरफ घूमने लग जाती है दोस्तों। जैसे हमारे कूलर में मोटर आती है इसी प्रकार से। और दोस्तों इसमें अनाज की बात करूँ तो इसमें 5 से 7 किलो शायद इसमें अनाज आता होगा दोस्तों। गेहूँ ऊपर वाले इसके डगोले में एक इसमें टंकी दी गई है नीचे देख सकते हो, और यहाँ पे इसका मेन मोटर है दोस्तों। बेल्ट कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट मोटर के ऊपर चलता है, कुछ भी पीस के भी दिखाएंगे आपको सब निकलता है मोबाइल से। तो मैंने इसमें पैसा ही दिया हूँ दोस्तों। इसी के लिए बनी ही तो सब कुछ निकालेगी आपको, जो भी निकालना है मक्का हल्दी जो भी वहाँ पे लिस्ट में लिखा हुआ है देख सकते हो। चलिए आपको देखनी है यहाँ पर नंबर लिखा होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको, शायद लिखा जाएगा
पर ये देख दोस्त, यहाँ पर नंबर लिखा है छोटा सा, जो शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सारा जाल है दोस्त इसके अंदर, इसमें नंबर लिखा है 5 नंबर देखिए, जैसे मैं बता रहा था आपको 5 नंबर की जाली है। पूरी जाली बता देता हूँ मैं आपको, एक नंबर जाली है, इसमें आपको 0 नंबर है दोस्तों, 3 नंबर है, 4 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर है दोस्तों। तो आप इसमें आप के हिसाब से लगा सकते हो जो कि आपको जरूरत हो, तो दलिया करना है दलिया के हिसाब से, और बारीक मोटे के लिए आपको जाल चेंज करनी पड़ेगी जो ऊपर लिखा होगा, और बाद में आप चेंज भी कर सकते हो, निकाले के आसानी से निकल जाते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर चल लगेगी। और तो इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि लोहे के दाने यानी लोहा लकड़ी के दाने और पत्थर वत्थर नहीं आना चाहिए आपके गेहूँ में, किसी भी अनाज में अपने हिसाब से, जो है पुराना वाटर खराब हो जाएगा और आपको पता पड़ेगा। हालांकि भी दिखाएंगे आगे, तो फिलहाल मैं बता देता हूँ आपको, पीछे यहाँ पे देख सकते हो स्पीकर है जो आपको आवाज़ से देगा, एक लड़की की आवाज़ में, यानी कि एक लुगाई बोलती है दोस्तों यहाँ पे, जो इसमें यानी कि कोपरे में अनाज डाले, कोपरे में अनाज खत्म हो गया है, मेन डोर बंद करें, अनाज खत्म हो गया है, यानी कि हर बात को आपको ऑटोमेटिक है दोस्त, फुल ऑटोमेटिक है, मशीन ऑटोमेटिक चलती है, ऑटोमेटिक बंद हो जाती है अगर आपका अनाज खत्म हो जाता है। हवा के लिए इधर साइड में जो है डल दी गई है लाइट की, हवा के लिए 1 HP की मोटर है दोस्तों, 1 HP की मोटर आपको जैसे दुकान वाले ने बताया था 8 से 12 किलो के बीच में, तो मैं मान सकता हूँ दोस्तों, उन्होंने बताया था 8-10 किलो, आप समझ सकते हो 10 किलो एक घंटे के निकालेगी, परंतु दोस्तों ये फिक्स बात नहीं है, क्योंकि अगर वोल्टेज कम आता है तो कम निकालेगी, ज़्यादा आता है ज़्यादा निकाल देगी, 1-2 किलो बराबर आ जाता है तो 8 से 12 किलो के बीच में निकाल देगी, क्योंकि आजकल दोस्तों लाइट भरपूर नहीं मिल पा रही है ना दोस्तों। यहाँ पे गुजराती में शायद और एक तरफ हिंदी में लिखा हुआ है, जो आपके आसानी समझ में आ जाएगा कि कौन सी जाली किस कहाँ पे लगानी है ना दोस्तों। दोस्तों इसके बाद मैं प्राइस की बात कर देता हूँ, नहीं दोस्तों यहाँ रिद्धि सिद्धि दोस्तों, इससे पहले रिद्धि सिद्धि कंपनी है दोस्तों, ये 1500 कंपनी का कोई फर्क नहीं, अंतर नहीं है, आप कोई से भी ले सकते हो दोस्तों। अगर जब तक ये इसका एक कुंड यानी कि डोर नहीं लगाते हो तो बोलता रहेगा कि आप सलामती के लिए एक डोर इस मेन डोर को लगाएं, तभी आपकी चक्की चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। और यहाँ पे LED लाइट लगी होती है नीचे, जो आसानी से आपको दिखाई उजाला हो जाएगा उसके लिए, तो लगा देते हैं हम यहाँ पे एक लाइट को, जैसे लगा दिया हमारा एक दोस्तों, ये बटन है दोस्तों, इस बटन को अगर आप दबाते रहें पर चल जाएगी, कि आप इसमें अनाज डाल दिया तो इसमें सेंसर लगे होते हैं दोस्तों ऊपर की तरफ, तभी जाके अनाज डालने पर ही चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी, और एक मेन डोर लगाने पर ही चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी, ये दोनों काम आपको करने पड़ते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी है दोस्तों, सेफ्टी के लिए भी दोस्तों, आपका अनाज खत्म होने पर ये ऑटोमेटिक चल जाती है। यहाँ पे दोनों तरफ सेंसर लगे होते हैं और इसकी मोटर लगी होती है छोटी सी, जो इसमें अनाज ले जाने के लिए काम आती है, इसमें अगर आप उंगली भी करोगे तो ये मोटर चल जाएगी आसानी से, चल जाएगी दोस्तों। और बाद में सब चीज़ के भी दिखाएंगे दोस्तों, मैं बता रहा था इसकी प्राइस है मात्र 1300 रुपये, 13000 रुपये दोस्तों, सॉरी दोस्तों 13000 रुपये है, जो हमने बोली से खरीदा है राजस्थान बोली डिस्ट्रिक्ट से, अगर आप आस पास से हो तो इसके बीच में आप खरीद सकते हो, आपको आसानी से मिल जाएगी, इसमें थोड़ा बहुत आप 1900 हो सकता है, यानी कि तो 500 रुपये कम ज़्यादा हो सकता है, कि ज़्यादा नहीं होगा, कंपनी कॉल से भी ले सकते हो, फुल ऑटोमेटिक मशीन है दोस्तों,
तो आप एक एच पी के लेते हो तो 10 किलो निकालेंगे ऐसा बता जाता है। और अगर आप 2 एच पी की भी मशीन मिल जाती है ऐसे ही वही सिस्टम होता है दोस्तों, परंतु इसमें क्षमता ज़्यादा होता है हो जाती है मोटर की। तो जैसे दुकान वाले बताते हैं दोस्तों हमने तो इसका इस्तेमाल नहीं किया है 2 HP का, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि पक्का है? तो पक्की नहीं कह सकते दोस्तों, पर दोस्तों जैसे दुकान वाले बताते हैं कि 20 किलो निकाल देते हैं दोस्तों, निकालते होगी दोस्तों 18 से 22 किलो ये बताते हैं दुकान वाले। हम इसकी हल्दी पिसाई कर रहे हैं, जैसे थोड़ा इसमें सीम आ रही है यानी कि ये थोड़ी आली है, बिल्कुल सूख नहीं रही है चावल बनता जी पीते और नहीं सूखने का कारण और थोड़ी मोटी है दोस्तों। यहाँ पे आप बारीक किस प्रकार की उसको साफ करना जा सकता है, तो आपको कोई मिस्त्री मैकेनिक बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो आपको डबल खर्चा करीब आने का या आपको चक्की ले जानी पड़ेगी, तो ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी मैं आप। और दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब, जिसका नाम है सभी जानकारी, और वीडियो कैसे लगाओ लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को दोस्तों। हमने पीसी हल्दी जैसे मैंने आपको दिखाया, आपको हल्दी थोड़ी सुखानी है तो थोड़ा बारीक कर लेनी है, इसमें आप ये जाने के हिसाब से आप इसको मोटी बारीक जैसे रखनी चाहो चले हिसाब से पीस सकते हो दोस्तों। पहले हमने इसको थोड़ा मोटा पीसा है, इसके बाद में हम 2 या 3 नंबर की जाली में इसको पीस लेंगे जिससे बारीक हो जाएगी। जैसे हम हल्दी लेके आते हैं बाजार से थोड़ी इसी प्रकार से, तो हमने पीस लिया दोस्तों। इसके बाद में अब आपको अच्छी मजबूती चक्की तो मैं अब दिखा दिया है आपको हल्दी पीस के, दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा होगा परंतु बन रहा है हमको जानकारी देने के लिए, थोड़ा डिटेल में जानकारी देना भी जरूरी है दोस्तों, नहीं तो मैं आपको झटझट से बता देते वैसा है वैसा है फिर आप बोलेंगे पूरी जानकारी नहीं थी। तो इस जाली का हल लगा सकते हो, इसका ही टक लगाने पर ही रहेगी सही, तो आप हर प्रकार का इसमें अनाज पीस सकते हो मोटा बारीक दलिया वलिया कैबेज के लिए। अगर आपको ज़्यादा पीसना है तो आपको मैं सलाह दूंगा कि आप 2 HP की मोटर लेके आए, क्योंकि अगर ज़्यादा आटा चाहिए तो आप 1 कवर आपको इसके साथ में आएगा, ज़्यादा भी आएगी 1 कवर आएगा, 1 ब्रश आएगा और 1 कवर आएगा इसका ढकने के लिए जब आपका काम हो जाए दोस्तों, अच्छे से ढकने में काम आ जाता है। तो उसमें अनाज अगर आप रखते हो तो उसमें आपको जो है चूहे काटने का डर रहता है, तो उसको जब भी आपको काम हो जाए अच्छे से सफाई कर ले। तो ये जालियाँ हैं मिलेंगे आपको तो दोस्तों। देखो जैसे मैंने हम इसमें हल्दी पीसी तो हल्दी जो है थोड़ी गीली थी तो चिपक चुकी, अब पीसेंगे हम इसमें गेहूँ का चून आटा जो आपको 0, 1 और 2 नंबर की जाली में आसानी से पीस सकते हो,
बारीक थोड़ी थोड़ी बारीक लगा सकते हो, मोटा के लिए थोड़ा मोटा लगा सकते हो, एक नंबर की भी सही रहती है दोस्तों। तो हमने डाल दिया है पे अनाज, और अनाज डालने के बाद में इसको करेंगे ऑन। दोस्तों बटन अगर ऑन है आपके मेन स्विच से तो ऑटोमेटिक जैसे ही इसका मेन डोर बंद करोगे और इसमें अनाज डालोगे ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। हॉपर में अनाज डाली ईसाई की ये आधुनिक सुविधा गेहूं और मकाई इत्यादि के लिए मोड 2 इस्तेमाल करें। बाजरी, जवार, चावल इत्यादि के लिए मोड 1 इस्तेमाल करें। गेहूं और मकाई इत्यादि के लिए मोड 2 इस्तेमाल करें। बाजरी, जवार, चावल इत्यादि के लिए मोड 1 इस्तेमाल करें। गेहूं और मकाई इत्यादि के लिए मोड इस्तेमाल करें। दोस्तों जाते जाते कि आटा इसका कैसा निकला है, तो कुछ हमने यहाँ पे पीस लिया है आटा चून, और ये देखे बिल्कुल जो हम जैसे चक्की पे जाते हैं बड़ी चक्की पे वैसे ही आटा निकला है। यहाँ पे इसको डाला था इसे निकल चुका है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।